أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم topic 61 masculine and feminine. अब ये जो word है इसके दो तलफ़ाज़ आप कर सकते हैं, इसको masculine भी कह सकते हैं और masculine भी कह सकते हैं, और इस word को आप feminine भी कह सकते हैं और feminine भी कह सकते हैं, यानी मुजक्कर और मुअन्नस। अब इसमें जो पहला मैंने वर्ड लिखा है वो है, हम तो अक्सर इसे हमारे दोस्त पोएट कहते हैं, जबकि इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन है पोएट, शायर, पोएटेस, शायरा। और ये वर्ड जो है इस पर बहुत बड़ी डिबेट है कि अक्सर हमारे दोस्त इसका बिल्कुल गलत प्रोनंसिएशन करते हैं। हमारे दोस्त कहते हैं इसे हेयर, जबकि सॉरी टू से दैट इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन एयर है। एयर का मानी है वारिस, इसमें एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, और एयरेस यानी वारसा, सीगाए मुअन्नस। अब ज्यू यानी यहूदी, और ज्यूएस यहूदी औरत, प्रिंस शहजादा, प्रिंसेस शहजादी। अब इस वर्ड पर भी थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए कि हमारे दोस्त अक्सर जो है इसको लाइन तलफ्फुज करते हैं, जबकि इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन है लायन। लायन भी एक डिबेट की बात है, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्तों को टाइगर और लाइन का पता नहीं है, जबकि जब लायन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका मानी है बबर शेर, ये शेर की और किस्म है, और टाइगर भी है शेर, लेकिन लायन से जो है वो मुख्तलिफ होता है। और बात तो हमारे दोस्त टाइगर को कमानी जो है वो चीता कर देते हैं, जबकि सॉरी टू से दैट हैं दोनों शेर, लेकिन ये लायन का मानी है बबर शेर, और लायनेस का मानी है यानी उसकी मादा। थैंक यू वेरी मच।